नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आप देखना चालू कर चुके हैं मैक लर्न टू अर्न। आज हम डिस्कस करेंगे कि गूगल फॉर्म जो अनअकैडमी का आता है उसमें क्या क्या डिटेल मांगी जाती है और उसको कैसे फिलअप करें। तो मैं आपके सामने बहुत ही जल्दी से गूगल फॉर्म रख रहा हूँ जिसमें मैंने देखा दिया है कि आपको क्या करना है। एजुकेटर का नाम लिखना है, फिर दूसरा जो चीज़ मांगी जाएगी वो थी आपकी प्रोफाइल, अनअकैडमी की प्रोफाइल यहाँ पर लिख देनी है, www.unacademy.com/ करके @ आपका यूज़र नेम यहाँ पर रखना है। मैंने अपना JH Saj यूज़र नेम था वो रखा था। फिर मांगा जाएगा आपसे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। अगर आपने यहाँ पर कुछ गलत डाल दिया और सबमिट कर दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप फिर से उनको बता दीजिए कि ये मेरे से गलती हो चुकी है, तो वो लोग आपको रिप्लाई कर देंगे कि हाँ ओके मैंने आपकी बात सुन ली है। कहाँ पर जाकर रिप्लाई करेंगे आपको पता है, एजुकेटर ऐप में चैट वाले ऑप्शन में। कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है, फिर लिंक आपकी सोशल वेबसाइट्स की यहाँ पर लिखनी है, फिर आपकी जो हायर क्वालिफिकेशन है उसकी फ़ोटो अपलोड करनी है, फिर यहाँ पर कितने बरस का आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है वो लिखना है, फिर लिखना है आपकी अचीवमेंट्स, फिर लिखनी है आपको आपकी अचीवमेंट्स के बाद क्या आ रहा है, नेम ऑफ द रैंकर्स यू प्रोड्यूस, आपने कौन से रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं, आप कौन सा कोर्स पढ़ाना चाहते हैं, कैटेगरी कौन सी पढ़ाना चाहते हैं वो लिखना है, फिर आपकी स्पीड कितनी है, यहाँ पर देखो स्पीड लिखी है तो स्पीड कितनी है अपलोडिंग की, पिंग टाइम क्या है वो आपको www.speedtest.net से जाके पता कर लेना है, फिर कितना GB रैम है आपके PC का वो आपको कंप्यूटर पे जाके प्रॉपर्टीज में जाके पता कर लेना है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 2 ईयर्स विथ अनअकैडमी, तो आपको कहाँ पर अपनी रैंक देख रहे हो, तो जहाँ पर देख रहे हो तो वहाँ पर लिख देना है, इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन की जो बात है वहाँ पर आपकी मोटिवेशन की स्टोरी लिखनी है, मेरी स्टोरी तो मैंने आपको दिखा दी है, इसको आप वर्ड में लिखिएगा ताकि ग्रामर की मिस्टेक्स ना हो, और वर्ड कैरेक्टर वर्ड काउंटर भी रख लीजिएगा ताकि 300 से ज़्यादा वर्ड हो, वरना ये फॉर्म सबमिट करने नहीं देगा। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द पैरामीटर दैट मेक्स एन एजुकेटर सक्सेसफुल, एजुकेटर वही सक्सेसफुल होता है जो हर बार किसी भी चीज़ को अप टू एंड जाने, यानी जैसे कि आपने ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई इंटेंशन से देखें तो वही एजुकेटर सक्सेसफुल होता है, यानी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। फिर आपसे मांगेंगे कि अगर आपको 5 क्लासेस दिए जाए तो आप किस टॉपिक पे 5 क्लासेस बनाएंगे, तो वो 5 क्लासेस आपको डिटेल यहां पर लिख देनी है। मैं आपको बता देता हूं मैंने क्या डिटेल लिखी थी, ये वर्ड काउंटर और उसकी चीजें चल रही है ठीक है, चलो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने टॉपिक वाइज पांचों के पांचों क्लासेस कौन से मैं लेने वाला हूँ वो दिखा दिए हैं। ये वीडियो तो बहुत ब्रीफ में था, 3 मिनट का, मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो 25 मिनट का बनाया है जहाँ पर हर एक चीज़ को डिटेलली ब्रीफली डिस्प्ले यानी किया है, उसके अंदर लिखा है कि आपको क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए, तो आप वो वीडियो भी देखेंगे और साथ में मुझे कमेंट भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे इस चैनल को और लाइक भी करेंगे। Hope you कि you enjoyed this video, and अगर आपको डिटेल में चाहिए तो इस वीडियो के एंड में आपको वही वीडियो दिखेगा जो 25 मिनट का है। मेरी चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना और वो वीडियो भी देख लेना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।